एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट पॉलिनोमियल्स आर इरेशनल। हमको जो तीन पार्ट है उनको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो पहला पार्ट है 1/√2, तो वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल। हम उल्टा अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या एक इरेशनल नहीं, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट वी कैन राइट, हम दो ऐसे प्राइम नंबर लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस वन अपॉन रूट टू को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/√2 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं a/b के फॉर्म में, जहां a and b आर को प्राइम्स हैं और q b की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/√2 दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है मुझे दूसरी साइड a/b, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं 1/√2 को, √2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और ये बन जाएगा a/b। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका √2/2। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा, √2/2, ऊपर बना √2, नीचे √2 का स्क्वायर बनेगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और इस तरफ हमें हमारा a/b। ठीक है, जहां से मैं अगर 2 को यहां 2 डिवाइड में है दूसरी तरफ जाएगा तो √2 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो √2 की वैल्यू आएगी यहां से √2 इज इक्वल टू 2 into a/b। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां से, ये अपॉन में है उधर जाके a/b के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो a/b क्या एक रैशनल नंबर है, 2 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, सेंस a and b आर इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये जो पूरी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, 2a/b क्या हो जाएगी, एक इज रैशनल। ठीक है, ये एक रैशनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रैशनल है सो अगर ये पूरा टर्म रैशनल हो गया तो √2 भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये √2 2a/b के इक्वल है, तो अगर 2a/b रैशनल है तो इसका मतलब √2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, √2 इज रैशनल। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट क्या करता है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये, कि जो √2 है वो क्या है, एक इरेशनल है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इस फैक्ट को ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, √2 इज इरेशनल। तो इसने इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, इसका मतलब हमारा जो एज्यूम किया हुआ स्टेटमेंट था वो गलत था, तो हम क्या कहेंगे, सो वी कंक्लूड, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर।
क्वेश्चन थ्री का सेकंड पार्ट है, 7 रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी क्या कि ये जो 7 रूट 5 है ये एक्चुअल में क्या है, एक रैशनल नंबर है। 7 रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो हम ऐसे नंबर ढूंढ सकते हैं, सो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स P एंड Q, Q जहां जीरो नहीं होना चाहिए, सच दैट हम P और Q ऐसे को प्राइम इंटीजर ढूंढ सकते हैं जो क्या होंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे P by Q के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इसको मैं P by Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर 7 रूट 5 इक्वल टू P by Q है तो रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, रूट 5 इक्वल टू होगा, सो रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन 7 क्यू। पी अपॉन 7 क्यू, इसमें जो पी अपॉन 7 में पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, पी अपॉन 7 क्यू क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। Since P and Q are integers, P और Q क्या है, integers हैं, इस वजह से जो P upon 7Q है वो क्या हो जाएगा, एक rational number हो जाएगा, H rational number। अगर ये rational number है तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल था, रूट 5 के, तो उससे हम क्या कह सकता हूं, उससे हम कह सकते हैं कि जो रूट 5 है इज रैशनल, रूट 5 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रूट 5 क्या होता है एक्चुअल में, रूट 5 एक्चुअल में इरेशनल नंबर होता है, तो जो हमने एज्यूम किया हुआ है वो क्या कर रहा है, एक्चुअल फैक्ट को जो कि है रूट 5 इरेशनल नंबर, उस फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमने एज्यूम किया हुआ था वो गलत था, इसका मतलब 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर ना हो कि रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड पोर्शन है 6+√2 को हमको क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। सेम मेथड से लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे हम कि ये जो नंबर है वो क्या है, एक्चुअल में रैशनल नंबर है। कॉन्ट्ररी दैट 6+√2 एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे दो इंटीजर ढूंढ सकता हूं जो क्या करें, इसको रिप्रेजेंट करें। दैट इज, अगर ये रैशनल नंबर है
दैट इज वी कैन फाइंड, मैं क्या कर सकता हूं, मैं दो ऐसे इंटीजर ढूंढ सकता हूं जो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और वो नंबर, वो इंटीजर्स क्या हैं, पी एंड क्यू, ठीक है, जहां क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर पी और क्यू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं सच दैट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये, सच दैट 6 प्लस रूट टू इज इक्वल हो जाएगा पी बाई क्यू के। अगर 6 प्लस रूट टू पी बाई क्यू के इक्वल है तो इससे क्या निकाला जा सकता है, इससे निकाला जा सकता है रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये जो 6 है ये प्लस के साथ है तो इक्वल की दूसरी साइड जाके ये हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस का, ठीक है। पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है और 6 इंटीजर है, तो ये जो पूरा टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, एक रैशनल नंबर बनेगा, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, 6 तो ऑलरेडी इंटीजर्स है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा रिजल्ट, वी गेट पी अपॉन क्यू माइनस 6 इज रैशनल। ये पूरा टर्म क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है तो इससे क्या मिलेगा, सो रूट टू इज ऑल्सो रैशनल। रूट टू क्या मिलेगा मेरे को, रैशनल मिलेगा, क्योंकि रूट टू किसके इक्वल है, पी अपॉन क्यू माइनस 6 के, और ये पूरा टर्म अगर रैशनल है इसका मतलब रूट टू भी क्या है, अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल होगी। लेकिन ये जो फैक्ट है, ये जो स्टेटमेंट आया मेरा, वो एक्चुअल फैक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू एक्चुअल में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये इस फैक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसका मतलब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, सो वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट टू एक्चुअल में एक रैशनल नंबर ना होके क्या है, इरेशनल नंबर है।